बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज वाकई मुझे याद आया सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। जी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अपने वतन से दावत दीन देते हुए आए और बंगाल में पहुँचे, तो बंगाल के इलाके में जब आए तो एक मरतबा जब दावत दीन दी लोगों में उन्होंने, तो बड़े खुश हुए कि 7 लाख जो है हिंदू उनके हाथ पे मुसलमान हो गए और 70 लाख जो है मुसलमानों ने तौबा कर ली। अच्छा, बड़े खुश, और जनाब इस चेहरा खुशी से तमतमाता है और घर में दाखिल हुए तो माँ ने देखा, कहा कि बेटा मुइनुद्दीन आज तो इतना खुश नजर आ रहा। खैर, कहा कि अम्मा आज तो कमाल हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से 7 लाख जो है ये हिंदू मेरे हाथ पे मुसलमान हो गए और 70 लाख जो है ना वो मुसलमानों ने तौबा की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो माँ ने फरमाया, बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। अच्छा, वो बड़े हैरान अम्मा वाज बह करता रह गया, अम्मा मैं वाज करता रह गया, मैं वो ने ये सोचा तो मैं वाज उन्हें सिद्ध कर रहा हूँ, लोगों को जनाब समझा रहा हूँ, तो अम्मा ये क्या कह रही है, अम्मा क्या मतलब? अम्मा ने कहा, बेटा मैं ही वो तेरी माँ कि तुझे मैंने जब दूध पिलाया ना, कभी तुझे मैंने दूध बगैर वजू के नहीं पिलाया, मैंने यही सोच के बावजूद पाकीज़ा होकर तुझे हमेशा दूध पिलाया कि या अल्लाह इस पाकीज़ा अंदाज से मैं इसको दूध पिला रही हूँ, इसकी ज़बान और कलब को भी पाकीज़ा कर दे। तो ये उसकी मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तेरी ज़बान और कल्ब पाकीज़ा हुआ और ऐसे कलमात पाकीज़ा ज़बान से निकलते हैं तेरे कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह तेरे हाथ पर तौबा भी करते हैं और गैर मुस्लिम मुसलमान भी होते हैं। कमाल तेरी माँ का है, तेरा नहीं है। सुभानअल्लाह। कहा कि अम्मा बेशक आपने सही फरमाया कि ज़ाहिर है कि बुनियादें जिसने दुरुस्त की हैं तो असल तो काम कमाल उसका है। तो हकीकत यह है, इसलिए लिखा कि हर जो भी बड़ा बना है, जो विलायत मारफत की जिसे मंजिलें तय की, उनके पीछे माँ का हाथ होता है। तो आज मैं कि माओं को गफलत की निगाह से देखने वाले या माओं को इग्नोर करने वाले बड़े बड़े ओहदे मनसब पा लेते हो, कहे माँ का क्या कमाल है, मैंने डिग्री ली है, नहीं, हर जगह वो सोचे कि कमाल माँ का है कि माँ ने अगर मेरी परवरिश उन खतूत पे ना की होती तो आज मैं इस मंजिल पे कैसे पहुँचता। जी, तो इसलिए माओं की कदर करें, तभी तो नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, है? तुम जन्नत आसमानों में ढूंढते हो, जैसे एक साहबी आए कहा कि या रसूलल्लाह इनल जन्ना, ए अल्लाह के रुख जन्नत कहाँ है? तो वो तो ये सोच के आए थे कि नबी कहेंगे 7वें आसमान के ऊपर है या 4थे आसमान के ऊपर है, तो आसमानों की खबर लेने आए थे। तो नबी ने फरमाया तहत अक़दामी उम्मिक, तेरी माँ के कदमों के नीचे, ऊपर ढूंढता है नीचे है वो, यानी माँ को यह मकाम अल्लाह ने इसलिए दिया कि इंसान के सारे कमालात की बुनियादें माँ की परवी से शुरू होती है। सुभानअल्लाह। इसलिए माँ की कदर करनी चाहिए, माँ की कदर, बहुत बड़ा मैसेज है। ये हमारे इस सेगमेंट की ये खूबी है कि ये खाली किस्सा ही नहीं होता, इसमें एक मैसेज होता है, इसमें एक सबक होता है जो आप देते हैं, और अगर लोग इसी चंद मिनटों को गौर से सुन लें तो देखें कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। जो लोग अपनी माँ की देखभाल नहीं करते, अगर वो आज से अपनी माँ की देखभाल करने लगे तो ये सवाब कितना हम सबको, आपको मिले और हम सबको भी, बहुत खूब।